हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको इस केटल का एग्जांपल दिया था कि इसको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, और स्केल और पेंसिल के यूज से मैंने एक बॉक्स बना के आपको पूरा ट्यूटोरियल दिया था फ्रेंड्स। फिर मैंने आपको ये बताया था कि मैं आपको इसके कलर टोन्स कैसे निकालने हैं उस पर भी रिलेटेड एक ट्यूटोरियल बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, उसी सीक्वेंस में मैं आज आपको बता रही हूं कि हम वॉटर कलर्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसका बेसिक क्या होता है वो मैं आपको आज बताना चाहती हूं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा सकूं कि हम इस केटल को कैसे बनाएंगे, इसको किस तरह से पेंटेड करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप बेसिक समझिए कलर्स का कि इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि इसमें आपको टोन्स नजर आ रही हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें इसमें इसके हैंडल में देखिए लाइट टोन दिख रही हैं, फिर इसके बाद में आप देखिए उससे डार्क टोन, और ये थर्ड टोन दिख रही है डार्क, उसके बाद ये और ज्यादा डार्क है, फिर ये उससे थोड़ी ज्यादा डार्क है। इस तरह से ये टोन्स हम निकाल सकते हैं, और इसमें मैक्सिमम डार्कनेस की टोन्स जो हैं वो यहां दिख रही हैं फ्रेंड्स। तो हम कोई भी काम स्टार्ट करें, कलरिंग स्टार्ट करें, उससे पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए और ये किस तरह से बन रहा है वो पता होना चाहिए। ब्रश लेके पेंसिल वर्क मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो आप स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स एक्चुअली क्या होते हैं, जो लाइफलेस होते हैं, जो घर में ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। इसमें आप यूटेंसिल्स ले सकते हैं, फ्लावर पॉट्स ले सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे पर्सनल चीजें, यूटिलिटी के जो बिलोंगिंग्स होती हैं वो भी स्टिल लाइफ में आती हैं। तो उनको अगर हम अरेंज कर दें टेबल पे, कंपोज कर दें, और उसको फिर हम उसका कंपोजिशन जो है उसको हम पेंटिंग के फॉर्म में बनाएं, तो इसे हम स्टिल लाइफ पेंटिंग बोलते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको इस केटल के फॉर्म में दिया था। तो अब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूं कि अब मैं इसीलिए ब्लैक कलर ही ले रही हूं क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी ब्लैक कलर लिया है। तो आप पहले ये समझिए कि कलर हम किस तरह से करेंगे, और ये टोन्स फिर निकालना आपके लिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल जब मैं देने वाली हूं तो उसमें आपके लिए इजी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास इस तरह से ये वॉटर कलर केक्स का सेट है पूरा। ये थोड़ा अनटाइडी हो रहा है क्योंकि मैं बहुत सारा काम करती हूँ और वो बस क्लीन नहीं करती हूँ, तो वो इस तरह से ही रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं ब्लैक कलर में थोड़ा सा पानी ले रही हूं। ये मैंने यहां पे ले लिया है पानी, ये देखिए इसमें मैंने पानी ऐड किया है। तो अब आप देखिए, मैंने कलर बहुत ही कम लिया है और उसमें पानी मैंने बहुत सारा ऐड किया है। तो आप देखिए, व्हाइट शीट पे इजीली आपको नजर आ रहा होगा कि काफी लाइट ब्लैक टोन नजर आ रही होगी आपको। तो अब हम इसमें थोड़ी सी ब्लैक कलर की कंसिस्टेंसी बढ़ा देते हैं। देखिए, Now you can clearly see that it is little darker than the first tone. ये देखिए, Now I'm adding little more color to it. फ्रेंड्स, वॉटर कलर थोड़ा सा लूज होता है, जब ये वेट है तो इस कंडीशन में थोड़ा कम आइडिया लगेगा, ड्राई होने के बाद में आप यू कैन इजीली मेक आउट, अदरवाइज स्टिल यू कैन मेक इट आउट।
अब देखिए आप फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा और कलर ज्यादा बढ़ा दिया है इसमें। तो ये देखिए, फ्रेंड्स मैं पेंसिल का तो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि पेंसिल से जो टोन्स क्रिएट करनी है वो किस तरह से करनी है। हाथ पे, पेंसिल पर हाथ से थोड़ा प्रेशर का वेरिएशन करके, जैसे जैसे हम प्रेशर ज्यादा पेंसिल पे देते हैं अपने हाथ से, तो उससे फिर और डार्क बनता जाता है, डार्क टोन आती जाती है। और जहां तक वाटर कलर्स की बात है, तो वाटर कलर्स में हमें पानी में थोड़ा कलर ज्यादा ऐड करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, लाइटर टू डार्कर आते जा रहे हैं हम। देखिए, नाउ इट इज वेरी इजी टू विजुअलाइज दैट दिस स्टोन इज द लाइटेस्ट वन एंड दिस स्टोन इज द डार्केस्ट वन। नाउ I'm adding little more to it. मैं इसके पास ही लगाती हूं। ये देखिए, ये ज्यादा डार्क नजर आ रहा है आपको। अब थोड़ा मैंने कलर और ले लिया है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये उससे ज्यादा डार्क है। तो फ्रेंड्स, कोई भी पेंटिंग बनाने से पहले अगर आप बेसिक्स समझेंगे उसके और उनको फॉलो करते हुए आप ट्राई करेंगे, तो पेंटिंग्स बहुत अच्छे से बनेंगी एंड ग्रेजुअली यू विल बिकम एन आर्टिस्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, नाउ यू कैन काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आई हैव क्रिएटेड 8 टोन्स। ये देखिए 7-8 टोन्स इजीली, हालांकि ये दोनों थोड़ी रिजेंबल कर रही हैं, पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से लाइट से डार्क की तरफ जा रहा है। तो इसको आप फॉलो करिए, समझिए इसे और प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल जब मैं दूंगी, तो मैं उसमें इन्हें किस तरह से अप्लाई करना है और 3D इफेक्ट लेके आना है, लाइट एंड शेड क्लियरली उसमें विजिबल हो, वो मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो है वो अपलोड करते ही दिख जाए और आप प्रैक्टिस करिए घर पर। Thanks for watching, friends.